वैभाषिक दर्शन शास्त्र में हम देख चुके हैं कि धर्मों का एक अपना भी एक विभाग होता है। ये धर्म संस्कृत और असंस्कृत है। रूपादि स्कंद पंचक संस्कृत धर्म है। तो ये जो संस्कृत धर्म है इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। एक तो इसमें पहला जो है वो स्कंद है। संस्कृत धर्म रूपादि स्कंद पंचक है। ये जो संस्कृत धर्म है उसमें रूप, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार, ये जो पंचक स्कंद कहे गए हैं, तो ये पंचक स्कंद पांच है। स्कंद का अर्थ होता है राशि। स्कंद का अर्थ होता है जोड़ता, जो जुड़ा हुआ है, जो एक साथ है, जो इकट्ठा है, उसको स्कंद कहते हैं। इन स्कंदों में असंस्कृत संग्रहित नहीं है। ये जो स्कंद है इसमें असंस्कृत धर्म संग्रहित नहीं है। स्कंद ये हैं: रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद। तो इन स्कंदों में पांच इंद्रिया होती है, पांच उसके विषय या उसको अर्थ कहते हैं, और अविज्ञप्ति भी इससे संग्रहित होती है। तो इसमें पांच इंद्रियां कौन सी होती है? जैसे कि रूप को हम लेते हैं, तो रूप के अनुसार चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय और काय इंद्रिय। ये पांच इंद्रियां जो रूप स्कंद के साथ जुड़ी होती है। पांच इंद्रियों के विषय हैं, जैसे चक्षु का विषय रूप है, श्रोत्र का विषय शब्द या ध्वनि है, घ्राण यानी कि नाक इसका विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस है, और काय मतलब जो शरीर है उसका विषय स्पर्श है। चक्षुरादि इंद्रिय इन अर्थों के विज्ञान के आश्रय हैं। जैसे इनके जो विज्ञान है, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान और काय विज्ञान, ये इसके आश्रय हैं। ये रूप प्रसाद और अतिंद्रिय है, मतलब इसमें रूप प्रसाद, चक्षु प्रसाद, रूप प्रसाद, शब्द प्रसाद, गंध प्रसाद, रस प्रसाद, स्पर्श प्रसाद, इस तरीके से ये जो स्पर्श और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी इंद्रियों के संबंधित विषय जो हैं वो उसके अतंद्रिय अति इंद्रिय कहे जाते हैं। रूपायतन जो होता है तो रूपायतन द्विविध प्रकार का होता है, और दूसरे प्रकार से वो 20 प्रकार का होता है। रूप वर्ण और संस्थान है। वर्ण चार प्रकार का होता है, वर्ण भी चार प्रकार का होता है: नील, लोहित, पीत, अवदात। अन्य वर्ण वर्ण के अनुसार उपवर्ण चार होते हैं। अन्य जो वर्ण होते हैं वो उसके उपवर्ण होते हैं। संस्थान जो है वो अष्टविध है, मतलब उसका जो इकट्ठा स्वरूप है वो 8 प्रकार का है: दीर्घ, ह्रस्व, वृत्त, परिमंडल, उन्नत, अवनत, शांत मतलब सम, और विषाम मतलब विषय, विषम उसको कह सकते हैं। मतलब जो भी रूप का जो संस्थान, मतलब उसकी जो इकट्ठा हुआ, जो उसकी जो आकृति है वो दीर्घ होती है, ह्रस्व होती है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार होती है, परिमंडल तरह की होती है, उन्नत होती है, अवनत होती है। तो इस प्रकार से रूप 20 प्रकार का होता है। मूल जाति के 4 वर्ण, 8 संस्थान, 8 अन्य वर्ण, अभ्र, धूम, रज, मट्टिका, छाया, आतप, आलोक, अंधकार, तम संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है, मतलब अंधकार के बिना भी उसका रूप हो सकता है। यथा नीलादि, मतलब आकाश जो है अंधकार भी हो तो भी उसका रंग होता है। वर्ण के बिना संस्थान रूप हो सकता है। यथा दीर्घ, ह्रस्वादि का ये पद जो काय विज्ञप्ति स्वभाव है,
वर्ण संस्थान उभयात्मक हैं। अन्य आचार्यों का मत यह है कि आतप और आलोक वर्ण मात्र हैं। आलोक यानी कि प्रकाश, आतप यानी कि अंधकार है, केवल वर्ण मात्र है, क्योंकि नीलादि का परिच्छेद दीर्घ रस्वादि के आकार में दिखाई देता है। सूत्रांतिक कहते हैं कि एक द्रव्य उभयता कैसे विद्यमान हो सकता है, मतलब एक जो वस्तु, एक जो उसका अस्तित्व है, वह कैसे दो तरह से विद्यमान हो सकता है, कैसे वर्ण संस्थात्मक हो सकता है। तो वैभाषिक उसके ऊपर कहते हैं कि वर्ण और संस्थान उभय का एक द्रव्य में वेदन ग्रहण होता है, कि उसका वर्ण और उसका इकट्ठा जो स्वरूप है वो दोनों का एक द्रव्य में वेदन ग्रहण होता है। यथा विद धातु ज्ञानार्थक है, सत्तार्थक नहीं, मतलब उसमें का जो विद धातु है, वेदन मतलब उसका जो ग्रहण करने की जो सेंसिटिविटी है वो उसमें होती है, और विद धातु है ज्ञानार्थक है, सत्तार्थक नहीं, वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ना कि उससे कोई अस्तित्व बना रहता है। किंतु सूत्रांतिक उत्तर देते हैं कि तब काय विज्ञप्ति के भी वर्ण संस्थात्मक होने का प्रसंग होगा, तब काय विज्ञप्ति के भी वर्ण संस्थात्मक होने का प्रसंग होगा। सूत्रांतिक का मत है कि संस्थान एक पृथक वस्तु, एक अन्य द्रव्य नहीं है, ये प्रज्ञप्ति मात्र है। जब एक दिशा में वर्ण रूप का बहुतर संहात उत्पन्न होता है तो इस संहात को दीर्घ की संज्ञा देते हैं। जब अपेक्षाकृत वर्ण रूप संहात उत्पन्न होता है तो उसे रस्व कहते हैं। दीर्घस्व रूप नहीं है तथा सन्निविष्ट वर्ण रूप या स्पष्ट स्पष्ट लक्षण आदि को दीर्घ की प्रज्ञप्ति दी जाती है। वैभाषिक संस्थान और वर्ण को द्रव्यंतर नहीं मानते, इसलिए वैभाषिक संस्थान और वर्ण को द्रव्यांतर नहीं मानते। अभी एक एक बात इसकी हम देखते हैं कि इसमें जो शब्द है वो अष्टविध होता है। प्रथम ये चतुर्विध होता है, मतलब उत्पात महाभूत हेतुक, अनुपात महाभूत हेतुक, सत्वाक्य न असत्वाक्य, ये चतुर्थ शब्द मनोज्ञ अमनोज्ञ के भेद से पुनः अष्टविध होता है। तो उत्पात किसे कहते हैं, जिसमें चित्त चैतसिक अधिष्ठान भाव से उपग्रहित और स्वीकृत होते हैं, उसे हम कहते हैं उत्पाद। मतलब कोई भी चीज की जो उत्पत्ति है वो चित्त चैतसिक और उसका जो अधिष्ठान है उसके अनुसार होती है, और उसी को हम स्वीकृत करते हैं और उसी का ग्रहण होता है। इस प्रकार पंच ज्ञानेन्द्रिय भूत रूप यह रूप जो इंद्रिय विनिभागी है, चित्त से उत्पाद है, स्वीकृत है, अनुग्रह उपघात की अवस्था में चित्त और इस रूप के बीच जो अनन्य अनुविधान होता है उसका यह फल है। जिस रूप को अभिधर्म ने उत्पाद कहा है उसे लोक में सचेतन सजीव कहते हैं। मतलब कोई भी चीज जिसकी सजीविता ये उत्पात महाभूत हेतु या उसके अनुसार होती है, या अनुपात महाभूत हेतु सत्वाक्य असत्वाक्य इसके अनुसार होता है। हस्त शब्द वाक शब्द प्रथम प्रकार का है, वायु शब्द वनस्पति नदी इस तरह के जो शब्द है ये दूसरे प्रकार के, मतलब वो अनुपात महाभूत हेतु है। वाग्निपति शब्द तीसरे प्रकार का है, मतलब वो सत्वाक्य है क्योंकि ये सत्व को सूचित करता है, और असत्वाक्य अन्य शब्द चतुर्थ प्रकार के हैं, मतलब जो भी बाकी के सब शब्द आते हैं जो कि सजीव नहीं है वो असत्वाक्य है। तो इस प्रकार शब्दों को हम ये समझेंगे कि किस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे कान के इंद्रियों पर पड़ती है, इससे हमारा कान का श्रोत विज्ञान जो है वो उसे जागृत होता है और उसके अनुसार उसकी क्रिया भी होती रहती है। रस जो है जिसका संबंध हमारे जिह्वा से, जिह्वा का विषय रस है,
तो रस मधुर होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है, कषाय होता है, तीखा होता है। मतलब जितने भी हम रस पान करें उसमें एक तो मीठा होता है या खट्टा होता है या अम्ल युक्त होता है या तीखा होता है या नमकीन होता है। तो इस तरह के रस को समझना चाहिए। और रस से जो उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है जो कि जिह्वा विज्ञान, इसका भी समझना चाहिए। गंध भी चतुर्विध होता है क्योंकि सुगंध और दुर्गंध अनुकृष्ट और उत्कृष्ट है। गंध की भी वो चार प्रकार से होता है जिसमें सुगंध होती है, दुर्गंध होती है, और सुगंध और दुर्गंध को उत्कृष्ट और अनुकृष्ट इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे कि प्रकरण शास्त्र में गंध त्रिविध प्रकार का बताया गया है, सुगंध, दुर्गंध और समसंध, ये तीन प्रकार गंध के। स्पर्श जो होता है वो 11 प्रकार का होता है, 11 द्रव्य स्पष्ट विद्रव्य। मतलब ये जो 11 प्रकार के स्पर्श है वो क्या है, वो अस्तित्व से उत्पन्न होने वाले जिसको द्रव्य स्पष्ट विद्रव्य कहते हैं। वो महाभूतक, चतुष्क, लक्षणत्व, कर्कशत्व, गुरुत्व, लघुत्व, शीतता, जिगस्सा और पिपासा, ये प्रकार उसके 11 प्रकार हैं। भूत 4 महाभूत, कौन से 4 महाभूत हैं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 धातु जो है इसको महाभूत कहते हैं। ये 4 धातु चतुष्ट है, ये 4 प्रकार के हैं। ये धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने सुलक्षण और उपादाय रूप या भौतिक रूप का धारण करते हैं, क्योंकि उसका एक अपना एक धर्म है, वो धर्म के अनुसार उसको वो धारण करते हैं भौतिक रूप से, इसलिए उनको सुलक्षण उपादाय रूप या भौतिक रूप का धारण करने वाला धर्म उसको कहते हैं। द्रुत्यादि कर्म से इनकी सिद्धि होती है, मतलब जो दुतांग का जो अभ्यासी है इससे इसकी सिद्धि होती है। ये स्वर उष्णता, स्नेह, ईरन इस प्रकार का है, मतलब उनका जो स्वभाव है, जैसे कि पृथ्वी का जो स्वभाव है वो पृथ्वी का एक ठोसपन इस तरह का स्वभाव है। आपका स्वभाव है जो तरलता, इसमें इसे ईरन कहते हैं। और साथ है जो जो उसके लक्षण है उसके अनुसार इसकी सिद्धि भी होती है। ये स्वर उष्णता, स्नेह, ईरन है, इनकी सिद्धि यथाक्रम द्रुति कर्म, संग्रह कर्म, पंक्ति कर्म से होती है। मतलब दुतांग कर्म, संग्रह कर्म, पंक्ति कर्म से होती है। युहन से सिद्धि, वृद्धि और प्रसर्पण समझना चाहिए, ये इनके कर्म है। पृथ्वी धातु और पृथ्वी में विशेष है, लोक व्यवहार में जिसे पृथ्वी शब्द से प्रतिनिधित्व करते हैं वो वर्ण और संस्थान है। इसी प्रकार जल और तेज है, जैसे पृथ्वी है उसी प्रकार जल और तेज का भी यह हमें समझना चाहिए। जिसे हम लोक व्यवहार में प्रतिनिधित्व मतलब जानते हैं उसका जो वर्ण है उससे हमें जानते हैं, उसकी जो संस्थान है मतलब उसका जो समुच्चय है उसको हम जानते हैं। सलक्षणत्व स्निग्धता है, जो संरक्षण उसका स्वभाव जो है उससे स्निग्धता निर्माण होती है। कर्कशत्व उसका कठोरता है। गुरुत्व वह है जो योग का तुलनार्थ होते हैं। लघुत्व इसका विपर्य। शीत वह धर्म है जो उष्म की अभिलाषा पैदा करता है। जिगस्सा वह धर्म है जो आहार की इच्छा उत्पन्न करता है। पिपासा वह धर्म है जो पान की इच्छा उत्पन्न करता है। वास्तव में जिगस्सा और पिपासा शब्द से वह स्पष्ट विप्रदीप्त होता है जो जिगस्सा और पिपासा का उत्पाद करता है। इसमें ये बताया है कि इसका जो 11 प्रकार जो है स्पर्श का, ये स्पर्श के अनुसार अपने शरीर में जो जो धर्म उत्पन्न करते हैं वो धर्म उन्होंने पृथ्वी धातु से लेके उसके जो 11 लक्षण है, 11 प्रकार जो है, इससे स्पर्श होने पर क्या क्या अपने शरीर में निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं। इसलिए
और उसका जो सिग्न भाव जो है तो वो इसका लक्षण है, और उसका जो कर्कश भाव जो है उससे कठोरता निर्माण होती है। गुरुत्व से एक प्रकार का शरीर में एक खिंचाव उसे हम जानते हैं, या ध्यान करने से उसको हम सही तरीके से जान सकते हैं। लघुत्व इसका विपर्य है, मतलब इसका जो लघुत्व भाव जो है इसका ये विपर्य है। शीत उसका धर्म है, उष्म की अभिलाषा पैदा, मतलब शीतलता से हमारे शरीर का स्पर्श होने से उष्णता की अभिलाषा पैदा होती है। भूख लगने, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, भूख लगने से आहार की इच्छा होती है। पिपासा मतलब पानी पीने की इच्छा उत्पन्न करने से हमें पान करने की या पानी पीने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो यही जो शब्द है, ये जो उसके 12 प्रकार 11 प्रकार जो बताए हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि उससे स्पर्श होने पर जो प्रज्ञप्ति निर्माण होती है उसका उत्पाद जिज्ञासा और पिपासा का उत्पाद करता है, या ये 11 प्रकार के स्पर्श का उत्पाद उसमें होता है। तो ये सब जो धातु है वो धातु के अनुसार इसको हम समझना जरूरी है। तो अभी हम इस वैभाषिक दर्शन में जिसे संस्कृत धर्म कहते हैं उसको हमें जाना है, और इससे इस संस्कृत धर्म में जो अविद्यति है इसे हम आगे के लेक्चर में हम जानेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे या आपके कुछ सुझाव होंगे तो आप जरूर मुझे बताइए, और साथ में इस वैभाषिक दर्शन का अगर ठीक तरीके से इसका स्टडी किया जाए, या इसके जो कंसेप्ट इसमें आए हैं उस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखा जाए, तो ये दर्शन शास्त्र समझने में बहुत ही मदद हमें मिल सकती है। क्योंकि इसके जो कुछ शब्द आते हैं, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि पाली बुद्धिज्म में भी ये टर्मिनोलॉजी है, संस्कृत उसके कुछ शब्द है उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी है, तो इसको हम ठीक तरह से थोड़ा जानते होंगे तो इसे जल्दी से हम समझ सकते हैं, और जल्दी से समझ सकते हैं और आगे इसका जो सूक्ष्मता है उसको भी हम जान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।